सिरप्स के ऊपर, कफ सिरप और एक्सपेक्टोरेंट्स में क्या डिफरेंस है। तो मेरे पास दो ब्रांड है, एक है एस्कोरिल एक्सपेक्टोरेंट, ये आपको हर केबिश में मिल जाएगा, प्लस एलेक्स सिरप। अब ये सिरप और एक्सपेक्टोरेंट्स में फ़र्क क्या होता है? सिरप जनरली वो होता है जैसे आपके गले में खराश हो रही है, आपको सूखी खांसी आ रही है, या आपको सांस लेने में कहीं पे तकलीफ हो रही है, या आपको लग रहा है कि ऐसे कुछ अटका हुआ है जिसकी वजह से आपको दम लग रहा है, तो आप एक सिरप को ले सकते हैं। इसकी वजह से 10 ml जो रिकमेंडेड डोज होता है इसको 3 times आपको लेना है, जिससे आपका जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और एक्सपेक्टोरेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको बलगम खांसी बोलते हैं, जिसमें कफ निकलता है बाहर, तो एक्सपेक्टोरेंट उस कफ निकालने में काम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है उसका गियोफिनाजिन। तो यहाँ आप देखेंगे गियोफिनाजिन का कंटेंट है, तो ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपके कफ को बाहर निकालता है। और ये ही ब्रांड, ऐसे कुछ ब्रांड्स हैं जिसमें आपको टर्बिडोलिन, एम्ब्रोक्सोल और गियोफिनाजिन ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। इसका भी डोसेज सेम है, 10 ml फॉर 3 times आफ्टर फूड लेंगे तो और बेटर है। और ये आपका जितने म्यूकस जमा होता है छाती के अंदर वो पूरा कफ को बाहर निकालता है। तो जब भी आप कफ सिरप लें या किसी डॉक्टर्स को आप दिखा रहे हैं या आप सेल्फ मेडिकेशन लेना चाह रहे हैं, तो ये दो चीज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसको आप समझ लें। और ये दोनों सिरप की एक चीज़ है कि आपको 3 days तक यूज़ करना है। अगर 3 days के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा है आपका कफ, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, बिकॉज माइट भी आपके कॉम्प्लिकेशन थोड़े ज़्यादा हो गए होंगे, जिसकी वजह से आपको एंटीबायोटिक या और कोई ब्रांड साथ में इसके स्टार्ट करना पड़े, तो कॉम्बिनेशन में और अच्छी तरीके से आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। पर बिफोर सेल्फ मेडिकेशन डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए, बिकॉज मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है जो कम ले या ज़्यादा ले इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ज़रूर आप अपना कोई टॉपिक या इंटरेस्टिंग आपको जो भी लग रहा है यहाँ पे इस चैनल पे, या कोई ब्रांड के थ्रू या कोई प्रोडक्ट या किसी भी ट्रीटमेंट के थ्रू आपको नॉलेज लेना है, तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस पर टॉपिक बना कोई वीडियो बना के आपको प्रेजेंट कर दूंगा। तब तक के लिए लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।